तो अब हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंस के बारे में। इन्फ्लुएंस क्या चीज है? इन्फ्लुएंस को हमने देखा था जब हमने पढ़ा था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, तब उसमें इन्फ्लुएंस करके एक टर्म आई थी जब हमने फ्रेम रिप्रेजेंटेशन देखा था, वो जाके वीडियो चेक करना, उसके अंदर इन्फ्लुएंस का इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। अब इन्फ्लुएंस एक्चुअली में क्या होता है वो होता है, इन्फ्लुएंस एक्चुअली होता है कि कंक्लूजन को निकालना एविडेंस और फैक्ट्स को यूज करके। आपको कोई फैक्ट्स दिए होंगे, आपको कुछ उस फैक्ट्स के रिगार्डिंग एविडेंस दिए होंगे, कोई चीज हुई है, कोई इवेंट अकर हुआ है, तो एविडेंस और फैक्ट को यूज करके जब भी हम कंक्लूजन निकालते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस फैक्ट्स और एविडेंस को यूज करके कंक्लूजन को निकालना है, बस मेन पूरा खेल कंक्लूजन निकालने का। तुमने अगर कंक्लूजन निकाल दिया एविडेंस और फैक्ट्स को यूज करके तो उस चीज को हम इन्फ्लुएंस बोलेंगे। अब इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंस रूल्स होते हैं। इन्फ्लुएंस रूल्स क्या होते हैं? ये टेम्पलेट्स होते हैं जो कि नॉर्मली काम आते हैं फॉर जनरेटिंग वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, या ये कह सकते हो कि जो चीज वैलिड है उसको जनरेट करने के लिए काम आते हैं। वैलिड स्टेटमेंट्स या वैलिड रूल्स या वैलिड थ्योरम्स उसको जनरेट करने के लिए जो चीज काम आती है वो है इन्फ्लुएंस रूल्स। और ये लगती किस पे? ये लगती है डिराइव्ड प्रूफ्स पे। एआई के अंदर डिराइव्ड प्रूफ्स नाम की एक टर्म है जिसके ऊपर ये चीज लगती है। प्रूफ्स मतलब क्या होते हैं? प्रूफ मतलब होता है कि आपको कुछ कहना, सपोज मैं कंडीशंस दे दूं, कुछ कंक्लूजंस दे दे, ठीक है, जैसे एप्पल जो है ये फ्रूट है, ठीक है, और ये जो एप्पल है ये रेड कलर की है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि एप्पल एक फ्रूट है जो कि रेड कलर की है। तो मैंने क्या किया, कुछ स्टेटमेंट्स को यूज करके, आप ये कह सकते हो कुछ कंक्लूजंस को यूज करके मैं मेरे गोल तक गया। यानी मैंने क्या किया, सीक्वेंस ऑफ कंक्लूजन को यूज करके कंक्लूजंस के सीक्वेंस को यूज करके अगर मैं गोल पे जाता हूं तो इस चीज को हम बोलते हैं प्रूफ करना या किसी चीज का प्रूफ। यानी आपके पास कंक्लूजंस दिए हुए हैं और उस कंक्लूजन को यूज करके आपको गोल तक पहुंचना है। यानी सीक्वेंस ऑफ कंक्लूजन दैट लीड्स टू गोल इज नोन एज प्रूफ। एआई में प्रूफ का मतलब क्या होता है, या हर जगह प्रूफ का मतलब यही होता है कि कुछ कंक्लूजंस को यूज करके, सपोज थ्योरम 1 से आपका ये निकला, थ्योरम 2 से ये निकला, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को यूज करके आपने थ्योरम 3 को प्रूफ कर दिया, तो आपने क्या किया, कुछ वैलिड कंक्लूजन को यूज करके अपने गोल तक पहुंच गए, इसको हम बोलते हैं प्रूफ। बराबर से वापस देखते हैं इन्फ्लुएंस को, तो इन्फ्लुएंस क्या था अपना, कंक्लूजन को जनरेट करना फ्रॉम एविडेंस एंड फैक्ट। फिर हमने ये देखा कि इन्फ्लुएंस रूल्स क्या होते हैं, तो इन्फ्लुएंस रूल एक टेम्पलेट्स होते हैं जो कि क्या काम आते हैं, जो जनरेट करते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट्स को। अब ये लगते काम पर है, ये लगते हैं डिराइव्ड प्रूफ्स में एआई के अंदर। डिराइव्ड प्रूफ्स या प्रूफ मतलब क्या होता है, प्रूफ मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कंक्लूजंस दैट लीड्स टू डिजायर्ड गोल इज नोन एज प्रूफ। तो ये हमारा था प्रूफ। और हमने क्या बोला कि ये इस इन्फ्लुएंस रूल के अंदर एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर आप कह सकते हैं, ये कह सकते हो एक लॉजिकल सिंबल है जो बहुत बड़ा रोल निभाता है जिसको हम बोलते हैं इंप्लाइज। इन्फ्लुएंस रूल में ये जो है आपका इंप्लाइज एक बहुत बड़ा रोल निभाता है और इससे ही आपके इन्फ्लुएंस रूल्स बनेंगे। आप देखते हैं फटाफट इन्फ्लुएंस रूल्स चार तरीके के हैं, फटाफट से देखते हैं। तो जो रूल्स हमारे पास है, सबसे पहला है इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन यानी क्या है, ये एक लॉजिकल कनेक्टिव है। सबसे पहले तो लॉजिकल कनेक्टिव हमने लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था, ये एक लॉजिकल कनेक्टिव है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू। अब हमने क्या देखा, इसका कन्वर्स। अब कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स यानी उसका जस्ट उल्टा। यानी हमने क्या किया, जो हमारा इंप्लीकेशन था जिसको हमने पी एरो क्यू से रिप्रेजेंट किया है, पी इंप्लाइज क्यू हम इसको कहते हैं, हमने इसका उल्टा कर दिया, हमने इसका क्यू इंप्लाइज पी कर दिया, ये क्या होगा कन्वर्स। यानी जो RHS है वो LHS पे चला जाएगा, ठीक है, और जो LHS है वो RHS पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। अब देखो जो आपने यहाँ पर कन्वर्स किया है ना, जो आपने यहाँ पर कन्वर्स किया है इसी का आप नेगेशन कर दो। अगर आप कन्वर्स का नेगेशन करोगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यानी जो P implies Q था इसका पूरे का अगर मैं नेगेशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P, तो ये आपका हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब अगर मेरे पास जो इम्प्लीकेशन है इस इम्प्लीकेशन का मैं नेगेशन कर देता हूँ, अभी मैंने कन्वर्स का नेगेशन किया, सबसे पहले हमने क्या देखा इम्प्लीकेशन जिसमें हमने बोला P implies Q, फिर हमने क्या बोला कन्वर्स इसका उल्टा यानी Q implies P, फिर मैंने क्या बोला कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होगा कि कन्वर्स का नेगेशन, तो हमने यहाँ पर कन्वर्स का नेगेशन करा, यानी क्या हो गया Q implies P की जगह हो गया नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P, ये आपका होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब होता है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है कि जो आपने इम्प्लीकेशन किया है इम्प्लीकेशन का आप नेगेशन कर दो, ठीक है, या आपने क्या किया कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्स का नेगेशन किया,
अब यहाँ पर लेकिन आपने इनवर्स में क्या करेंगे, हम इंप्लीकेशन का वो रेगेशन करेंगे, यानी जो पी इंप्लाइज क्यू था हमारा उसके आगे हम नेगेशन करेंगे, और ये करने के बाद ये हमारा इनवर्स बन जाएगा। और हमारा अगर कन्वर्स था क्यू इंप्लाइज पी का अगर हम नेगेशन करेंगे तो ये हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव बन जाएगा। तो सिंपल सा खेल यही है, ये चार रूल्स है हमारे किसके इन्फ्रेंस के। अब एक बार इसकी फटाफट से ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रुथ टेबल के बारे में। हमने इन्फ्रेंस के रूल्स को देखा और इन्फ्रेंस के रूल्स की ट्रुथ टेबल को जल्दी किए। अब देखो मैंने क्या लिया है यहाँ पर, पी के अंदर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ले लिया और क्यू के अंदर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ले लिया। अब पहला जो केस है हमारा वो है पी इंप्लाइज क्यू का। पी इंप्लाइज क्यू के अंदर ये है कि सबसे पहले कंडीशन हम चेक करते हैं, ट्रू इंप्लाइज ट्रू तो ट्रू ही होगी, फिर हमने क्या बोला ट्रू इंप्लाइज फॉल्स यानी फिर फॉल्स होगी, बिकॉज ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है, जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आएगा वो फॉल्स ही निकल के आएगा। फिर आता है फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, बिल्कुल सही है ट्रू हो गया। अब अगर फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स है तो फॉल्स का वो इंप्लाइज भी फॉल्स ही हो रहा है, ये ट्रू होगा, यहां पर ट्रू हो गया। फिर हमारे क्या था क्यू इंप्लाइज पी, अब हमने क्या बोला ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू होगा, फिर हमने क्या बोला फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ये भी ट्रू होगा, फिर हमने क्या बोला यहां पर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स ट्रू क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स अगेन वापस ट्रू होगा। फिर हम आते हैं हमारे थर्ड रूल पे जो हमने देखा था, ये किसकी बात हुई, सबसे पहला ये हमारा कौन सा इंप्लाइज वाला है, ये आपका क्या है ये आपका कन्वर्ट है, और अब हम देखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर क्या होगा मैं ऊपर लिख देता हूं, ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये आपका कन्वर्ट है, ये आपका इंप्लीकेशन है, ठीक है। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या चीज होने वाली है, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। अब नेगेशन ऑफ क्यू यानी क्या हो गया फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स यानी ट्रू होगा। फिर हम वापस यहां पर देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है, ट्रू ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी फॉल्स इंप्लाइज आपका क्या हो रहा है वापस ट्रू, इस केस में क्या होगा आपका यहां पर फॉल्स हो गया। अब आगे एक बार और देखते हैं, अब यहां पर नेगेशन ऑफ क्यू, यहां पर नेगेशन ऑफ क्यू क्या पर है ये टी, नेगेशन ऑफ क्यू यानी फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू ट्रू बन रहा है ट्रू हो गया। इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में देखते हैं, अगर फॉल्स दिया हुआ है क्यू का नेगेशन यानी ट्रू और ट्रू इंप्लाइज ट्रू हो रहा है तो यहां पर भी ट्रू आएगा। अब देखते हैं यहां पर नेगेशन ऑफ पी, पी का नेगेशन टी दिया हुआ है यानी एफ, एफ इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू यानी ये, तो एफ इंप्लाइज एफ तो क्या होता है हमेशा ट्रू होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, इस वाले केस के ऊपर, अब यहां हमारा क्या दिया हुआ है ट्रू यानी फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, तो अगेन हमारे पास क्या आएगा टी आएगा। फिर इस वाले केस में क्या दिया हुआ है आपका एफ दिया हुआ था, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो इस वाले केस में फॉल्स आएगा एफ यहां पर आया हुआ है। इस वाले केस में क्या होगा दोनों फॉल्स फॉल्स है यानी ट्रू इंप्लाइज ट्रू जो कि आपका क्या होता है ऑलरेडी ट्रू है। तो ये आपकी थी ट्रुथ टेबल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिस पर देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और यूनिफिकेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।